अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हमारा प्यारा किचन। आज हम बना रहे चिकन टिक्का बिरयानी, तो इसकी रेसिपी देखिए। तो ये मैंने आधा किलो से ज़्यादा है, तो ये बोन और थाई के तरफ का दोनों मिक्स ली हूँ मैंने, और इस तरह से मैंने बोटी बनाई हूँ। ये देखिए टिक्का के हिसाब की मैंने बोटी बनाई हूँ। तो अब इसमें मैं डालूँगी, मैरिनेट करूँगी इसको, मैं टिक्का की तैयारी करूँगी। तो यहाँ पर लूँगी मैं 3 चम्मच दही, तीन चम्मच ले लूँगी। इसमें डालूँगी मैं काली मिर्चों का पाउडर, तो ये लगभग आधा चम्मच के करीब ले लूँगी। अब इसमें 1 चम्मच मैं डालूँगी धनिया पाउडर, ये धनिया पाउडर भी 1 चम्मच डालूँगी। थोड़ी सी हल्दी डालूँगी, ज़्यादा नहीं, और ये ज़ीरा पाउडर है, ये भी आधा चम्मच डाल दूँगी मैं। यहाँ दिखाते हैं, अच्छा, तो ये 1 चम्मच मैं कसूरी लाल मिर्चों का पाउडर ले रही हूँ, ये थोड़ी सी इसमें मैं कसूरी मेथी भी डाल दूँगी ताकि इसका जायका बढ़ जाए। इसमें मैं 1 नींबू का रस निकाली हूँ, ये पूरा डाल दूँगी। ये थोड़ा सा मैंने ऑरेंज रेड फूड कलर ली हूँ, ये भी डाल दूँगी। ये हमारा होममेड गरम मसाला पाउडर है, ये आधा चम्मच डाल दूँगी। यहाँ पे डालेंगे ये अदरक लहसुन और हरी मिर्चों को मैंने पीस ली हूँ, तो ये मैं 2 चम्मच डाल दूँगी। तो ये छोटा चम्मच है, तो इससे थोड़ा ज़्यादा जाएगा। अब यहाँ पे डालूँगी मैं नमक स्वादानुसार, आप अपने हिसाब से लीजिए नमक, ताकि हमें अभी बिरयानी में भी डालना है नमक, तो वो हिसाब से हम इसमें नमक ऐड करेंगे। और ये सबको अभी मैं मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करके इसको हम ज़्यादा रेस्ट नहीं रख देंगे, तो टाइम नहीं है हमारे पास ज़्यादा, तो हम इसको अभी तैयार कर लेंगे, अभी बना लेंगे। 10 मिनट खाली रखूँगी मैं इसको। ये देखिए हमने मैरिनेट करके इसको रखे हैं, हम इसको 10 मिनट का टाइम दे चुके हैं। और यहाँ पे मैंने गैस जलाई हूँ और इसमें एक बॉटम रखी हूँ मैंने। अब इसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी देसी घी, आप बटर भी डाल सकते हैं और आप तेल भी डाल सकते हैं। तो इसमें मैं थोड़ा सा बटर कर दे रही हूँ, ये हमारी देसी घी है। गैस को थोड़ा फास्ट कर देते, थोड़ा तेल घी हमारा पिघलने देते। अब इसमें हम डालेंगे ये चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखे हैं। सब टिक्के को हम इसी में एक साथ डाल देंगे। चलो हमने सब चिकन डाल दिए इसमें, अभी हम इसको ढक देते हैं और इसको 5 से 6 मिनट के लिए पकाते हैं, फिर हम इसको देखते हैं। ये घी इसको मैं, ये टिक्के को मैं दूसरे गैस पर रखती हूँ, हम ये पतीले को रखते हैं यहाँ पे। इसमें अभी हम बिरयानी की तैयारी करेंगे, तो इसमें डालूँगी मैं तेल। तो ये 2-3 चम्मच के करीब, 3 चम्मच के करीब मैंने तेल इसमें शामिल करी हूँ। गैस को हाई कर देंगे हम थोड़ा। और यहाँ पे कुछ गरम मसाले ली हूँ मैंने, तो ये 3 दालचीनी ली हूँ, 3 है ये दालचीनी, ये डालेंगे इसमें। ये 1 बड़ी इलायची ली हूँ, और ये 1 बादियान का फूल ली हूँ, और ये 3 तेज़पात ली हूँ मैं, और ये 4 हरी इलायची है, और 4 लौंग है, और थोड़ी सी काली मिरी है। तो ये इसमें डाल देते हम, इसको चटकने का इंतज़ार करते हैं। ये मसाले चटक गए हमारे, और ये हम डालेंगे इसमें 1 प्याज, हमने मीडियम साइज़ की प्याज कट करे, और ये थोड़े से कड़ी पत्ते हैं, ये डाल देते इसमें हम। बस इसको हमें जलाना नहीं है, ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना है, बस इसको खाली हल्का सा हमें इसको फ्राई करना है। तो ये देखिए हमने बोले थे ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना है, तो वो हिसाब से ही हम इसको रखे हैं। तो ये अदरक लहसुन पेस्ट है जो हमने टिक्के के लिए लगाए थे, तो उसी में से हमने बचाया, तो लगभग हम डालेंगे ये बड़ा चम्मच देखेंगे तो ये 2 चम्मच होएगा, तो ये हम पूरा इसमें डालेंगे। तो मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, भून लेंगे थोड़ा ताकि अदरक लहसुन की कच्ची स्मेल है वो निकल जाए। अब इसमें डालेंगे हम ये हरी मिर्ची, 4 लिए है, 2 भाग में हमने कट कर लिए ले इसको, 2-2 भाग में कट करके लिए, 4 हरी मिर्ची है, और 2 मीडियम साइज़ के टमाटे हैं, ये इसमें डाल देंगे हम। इसको थोड़ा टमाटे को सॉफ्ट होने देते हैं हम। इस पर हम डालेंगे नमक, इसमें डालेंगे नमक हम, तो नमक प्लीज़ अपने हिसाब से लीजिए आप, तो मेरे हिसाब से ले रही हूँ।
इस पर एक ढक्कन ढक के इसको छोड़ते हम, गैस हम मीडियम रखेंगे। तो इस पर रखते हम ढक्कन और ये गैस को हम मीडियम रखेंगे ताकि टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। सो देखते हैं हम, तो टमाटर गल गए थोड़े बहुत, तो अभी हम इसमें डालेंगे बाकी के सूखे मसाले। तो ये हमने लिए ले यहाँ पे ये धनिया पाउडर जो पहले लिए थे, जो बचा था वही धनिया पाउडर है हमारा, और ये हल्दी पाउडर है ये भी आधा चम्मच के लगभग ले गए, ये ज़ीरा पाउडर है, तो ये सब हम आधा चम्मच के ही करीब लिए हैं। इसमें डालेंगे थोड़ी सी कसूरी लाल मिर्ची, तो ये भी ज़्यादा नहीं डालेंगे, आधा चम्मच के करीब। ये कसूरी मेथी बची हुई है ये भी हम इसी में शामिल कर देते हैं। ये होम मेड गर्म मसाला ये भी हम इसी में आधा चम्मच डाल देते हैं। और ये जो दही लिए है हमने, तो ये दही हम इसमें तीन चम्मच के करीब इसमें भी डाल देंगे। यहाँ पे गैस को थोड़ा से टेस्ट कर लेंगे। तो ये हमने गैस हाई रख के इसका पानी हमने पूरा सुखा लिया है। देखिए टमाटर वमाटर सब गल गए हमारे अच्छे से और मसाला भी भुने गया हमारा। तो अभी हम इसमें ना तीन गिलास पानी डालेंगे क्योंकि पौना किलो चावल है हमारा, तो तीन गिलास पानी इसमें शामिल करेंगे हम। और चावल हमने एक घंटा पहले भिगाए ले है, तो ये हो जाएगा तीन गिलास पानी में। आधा गिलास और डाल देंगे, तो बस इसको उबाल आने के लिए देते हैं। एक उबाल आएगा तो हम इसमें चावल डाल देंगे, इसको ढक देते हैं। तो एक उबाल आ गया है तो अभी हम इसमें डालेंगे, ये चावलों को ऐड करेंगे इसमें। तो ये हमने बासमती चावल लिए ले है, तो ये तीन पाव चावल है, तो ये इसमें हम डालेंगे। तो ये सारा चावल इसमें हम डाल देंगे, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। बस इसको भी पानी सूखने का इसका इंतज़ार करेंगे, इसको फिर हम दम पे छोड़ देंगे। तो ये हमने अभी ये तंदूरी पे हमें ये इस पर टिक्के पे हम ध्यान देते हैं, तो हमने वो गैस पे चढ़ाए थे, तो अभी चावलों को हम बड़े गैस पे रखे ले और इसको फिर से हम यहाँ पे ला लिए ले। तो ये देखिए सारा पानी इसका भुने गया, इसी में सूख गया सारा पानी। तो अभी हम यहाँ पर गैस बंद कर देते हैं। अब ये हो गया तो यहाँ पर हम रखते एक जाली, ये जो चीज टिक्का है हमारा हम रखते हैं जाली पे। तो सारे टिक्कों को हम इस पे ही रखेंगे। देखिए हमने सारे टिक्के को रख दिए जाली पे। घुमाते हुए इसको हम सेक लेंगे अच्छी तरह से। माशाल्लाह से खुशबू इतनी अच्छी आ रही है इसकी। बस ये हो गया, अब इसको हम साइड कर देते हैं। अब ये चावल भी हमारा यहाँ पे पानी सूखने आया है, तो इसको भी हम ये सिलो गैस पे दम पे छोड़ देते हैं। देखते हैं हम यहाँ पे चावल को, ये भी पानी सूख गया हमारा, देखिए सारा पानी सूख गया है। अब इसको हम थोड़ा और सुखाएंगे और फिर इसको दम पे छोड़ देते हैं हम। और वहाँ पर हम एक कोयल जलाने के लिए रखे ले, बस इसको फिर हम छोड़ेंगे, थोड़ा पानी सूखेगा तो दम पे छोड़ देते हैं हम इसको, ढक्कन नहीं ढकेंगे। तो ये देखिए पानी पूरा सूख गया हमारा, अभी हम इसको दम पे छोड़ देंगे। ये दम के लाइक का हो गया अभी, तो इसको हम स्लो करते गैस और यहाँ पे इसको ढक देते। माशाल्लाह से खुशबू अच्छी आ रही है। अभी हम इस पर रखेंगे ये सब हमारे टिक्के जो हमने बनाए ले हैं, ये हम इसके ऊपर रखते हैं। पानी है अभी इसमें, अभी इसको 10 मिनट और हमको दम देना पड़ेगा। तो ये जो टिक्का हमने यहाँ पे बनाया है, पहले हम डालेंगे इस पे घी। तो ये अपने मर्ज़ी से डालिए, आपको जितना पसंद है, तो हमने तो थोड़ा सा ही डाले ले। तो अभी हम इस पे रखते हैं ये टिक्का। तो ये हमने रेड चिल्ली लिए ले, ये हमें मार्केट में मिली तो हमने ये लाए। तो ये इसको कट करके हम इसका पीस बना के इसके ऊपर रख देंगे हम इस तरह से।
तो ये कोल हमने एक जला के रखे हैं, हम इस पर रखते हैं इसको और इस पर डालते हैं हम थोड़ी सी घी। आप ऑयल भी डाल सकते हैं, तेल आप डाल आपकी मर्ज़ी, आपको जो चाहिए। अब इस पर हम ढकते हैं, गैस हमारा दम पे रखे हैं हम, इसको और 10 से 15 मिनट इसको दम देंगे। देखते हैं अभी हम इसको, ये रखे हमने 12 से 15 मिनट के लिए। ये देखिए, ओहो माशाल्लाह, क्या खुशबू खुशबू खुशबू, क्या बताऊँ मैं तुम लोगों को, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। ये देखिए ना, अच्छे से बन गया। तो अभी हम आपको इसको इसकी प्लेटिंग करके दिखाते हैं, डिश आउट करके दिखाते हैं। तो ये गैस बंद कर दिए हमने और ये टिक्के को साइड करते हैं हम, और हम प्लेटिंग करते हैं अभी। तो आप भी ज़रूर इससे बनाइए, मेरे कहने पे विश्वास नहीं रहेगा आप लोगों को, तो आप ज़रूर घर में बनाइए और इसकी खुशबू की इंजॉय लीजिए, इसको खा के इंजॉय कीजिए। माशाल्लाह से ये बहुत अच्छी और बहुत प्यारी डिश बनी है। तो ये देखिए, हमने इसकी प्लेटिंग कर लिए है और अभी आपको हम यहाँ पे यहाँ रखे हैं हमने रायता, और यहाँ पे रखते हैं कुछ टमाटर के सिले से हम, इसको थोड़ा गार्निशिंग कर लेते हैं। यहाँ पे रखते हैं थोड़ा सा नींबू और इस पे डालते थोड़ी सी धनिया पत्ती। तो आप बताइए हमें, ये बिरयानी आप घर में ज़रूर बनाइए, चिकन टिक्का बिरयानी, ये बहुत ईजी है। आप बनाइए और हमें कॉमेंट में बताइए ये कैसी बनी है डिश। अगर अच्छी लगी रहेगी आप लोगों को तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हाँ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमें दुआओं में याद रखिए। और ये ज़रूर से आप घर में बनाइए, इंजॉय कीजिए अपने घर में, अपने परिवार में, अपने इसको ज़रूर बना के इंजॉय कीजिए। तो बस फिर आएंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय।